पंजाबी क्लास क्लास 8वीं। हाँ जी बेटा, उस दिन मैं थानू पंजाबी रीडर दी फर्स्ट कविता एक्सप्लेन कर चुकी हाँ, तो अज मैं थानू तो उसके वर्ड मीनिंग जानकी शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर करवावी। शब्द अर्थ गुरमुखी की हुंदा है गुरमुखी पंजाबी बोली दी लिपि का नाम। गुरमुखी पंजाबी बोली दी लिपि का नाम है। बोहड़ एक बड़ी अकारी दरखत दरखत जो बोर्ड हुंदा एक बहुत ही बड़ा दरखत हुंदा है। गूड़ा पक्का लिपि वर्माला मदरसा स्कूल मंदिर मदरसा किसनु कहते हैं स्कूल मंदिर। महक सुगंध अंबरा ते चढ़ना बड़ी सफलता प्राप्त करना। मेहनत दी पौड़ी लगातार मेहनत करना मेहनत दी पौड़ी चढ़ना लगातार मेहनत करना। हाँ जी अगे इस कविता दे हन प्रश्न उत्तर। फर्स्ट प्रश्न दिवाली ते बच्चे की जगाना चाहते हैं। इस कविता विच कवि ने क्या है कि जदों दिवाली का त्यौहार आता है तो बच्चे की जगाना इस कविता विच चाहते हैं। बच्चे दिवाली ते माचिस दियां तीवियां जो जगाउण वेले वख वख रंग छड़दियां हन। माचिस दियां तीवियां जो रंग बिरंगियां होंदियां हन जदों असीं उन्हां नूं जला दिंदे हां तां वख वख रंग कढ़दियां हन। सैकिंड प्रश्न बोहड़ा अते पिपलां दी छां किहो जिही हुंदी है। सैकिंड क्वेश्चन बोहड़ा अते पिपलां दी छां किहो जिही हुंदी है इस कविता विच क्या गया है। उत्तर बोहड़ा अते पिपला दी ठंडी छां हुंदी है। जो बोहड़ अते पिपल हुंदे हन इस कविता विच कवि ने कहा कि उसकी जो छां हुंदी है बहुत ठंडी हुंदी है। प्रश्न नंबर 3 मिट्टी मिट्टी महक किस विचों आ रही है। इस कविता विच जो मिट्टी मिट्टी महक है वह किस विचों आ रही है। मिट्टी मिट्टी महक गेंदे ते गुलाब विचों आ रही है। जो मिट्टी मिट्टी महक है वह गेंदे ते गुलाब विचों आ रही है। लास्ट क्वेश्चन हवा विच कौन कौन झूल रहा है। लंबिया लंबिया टाहणियां हवा विच झूल रही हैं। इस कविता कवि ने लंबिया लंबिया टाहणियां नूं हवा विच झूलते हुए दिखाया गया है। हाँ जी बेटा तुहाडा फस्ट कविता कंप्लीट हो चुकी है। तो नैक्सट वीडियो देखने लिए तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब लाइक जरूर करना। थैंक्स हैव अ नाइस डे।